अलग कटन थी नहीं यार ये फोटो है नहीं ये फोटो सारी थी सारे वाले थे ऐसे की दिखाया मुझे दोस्तों आज है 12 मई 2024 और इस वक्त हम हैं शिव मंदिर सिलोर महादेव में और आज हमें यहाँ होटली सिलोर महादेव के रमेश सिंह बिष्ट और दीपा बिष्ट के ज्येष्ठ पुत्र प्रांजल बिष्ट पीयूष का है जनेऊ और कर्ण भेद और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग ठीक है बढ़िया बढ़िया ठीक है पंडित जी को प्रणाम नहीं बात सबसे हो ही गई तूने ही नहीं बोला कुछ तेरा जवाब नहीं आया बाकियों का तो हाँ हाँ ये कौन सा लेते हैं खुश रहो क्या हाल है Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पर होगा हल्दी स्नान और उसके बाद जो है बाल जो है उतारे जाएंगे, फिर उसके बाद होगा कर्ण भेद और जनेऊ। तो सारे लोग उसको नहलाने के लिए जो है आए हुए हैं, सारे परिवार वाले और बुआ लोग भी हैं साथ में। ये ठंडा लग रहा है पी उसको। हाँ गाना भी तो गाते हैं, गाना गाओ बच्चो, गाना गा रहा हूँ गायत्री। आप धूप ले चढ़ा दी नहीं ना? धूप बाद में ब्याह नहीं देखा तूने? अरे बामड़ो तुम मेरे को गोधन ने जल्दीबाजी न करो। हाँ लगाओ लगाओ। गायत्री खाना खाओ यार। काकू और तू भी लगा। यार चाल तो लगा नहीं। और अभी और बात ना। अरे ये किसने दिन डाला? आरो ही तू लगा ना। हेलो कर ले हल्दी लगा। ये नोबी ने पकड़ है नहीं करा। नोबी काकू चलो। तो दोस्तों हल्दी हो गई है, हल्दी स्नान हो गया है और अब पीयूष करेंगे अपना नहान। वो देखो गए हैं नदी पर और नदी का पानी हमारा हो गया है इतना खतरनाक, और क्योंकि बारिश बहुत दिनों से हुई नहीं, अभी थोड़ा सा बारिश हुई थी तो उसमें जो है यहाँ नदी आई थी और ये सारा जो जंगलों में आग वगैरह लगी थी तो उसके वजह से ये पानी जो है गंदा हो गया है। और हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि ये ल्यत भरी वो सब ल्यत और पान है वो गंद। तो दोस्तों अब जो है उधर हो गया है कर्ण भेद की तैयारी हो गई है। अभी पहले जो है बाल जो है सुधारे जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं जो कहते होंगे इसको, क्या कहते हैं इसके बाल उतारे जाएंगे, उसके बाद होगा कर्ण भेद। और जो बाल उतार रहे हैं वो हैं खुशहाल सिंह बिष्ट जी। ये बाल उतारने के लिए मेरे को भी बोला था, वैसे मैं भी उस तरह लेकर के आया था, उस तरह मेरी जेब में है, लेकिन अब वो वैसे जैसे बनाएंगे ये लगे हुए हैं सब। और मैं थोड़ा सा बातचीत पर भी व्यस्त हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना दिखा रहे क्या, तो अब दिखाएंगे ही। ये दोस्तों बाल बन गए हैं और ये देखिए मैंने आपको उसके वासु के जनेऊ में भी दिखाया था कि जो बाल होते हैं इसमें उतारे जाते हैं थाली में या परात में, तो ये हो गया। और चुटिया हमारे वहाँ ज़रूरी होती है हिंदू धर्म में, तो ये जो है चुटिया। और हरीश का भी आ गए, लोकपाल भाई भी आ गए हैं तिपोला से। ये लंच टाइम हो गया है, ये पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये है हमारे वहाँ सिलोर महादेव मंदिर के पास में है, ये हमारा धारा है, बहुत ही पुराना है। और क्योंकि वो कहते हैं कि जो मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से होता है, क्योंकि अभी जो मौसम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और इसका टेम्परेचर तो हमेशा एक जैसा रहता है, क्योंकि जब इसकी गर्मी जब ज़्यादा बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो इसलिए हमको ये ठंडा लगता है। और जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये
सेम टेम्परेचर में रहता तो ये हमको जो है गर्म लगता है दिनों। तो बाल्टी भर गई है और हम पियेंगे ठंडा ठंडा पानी यहाँ पर से। बच्चों उठा लो बर्तन, बर्तन उठाओ, कोई ज्यादा बहुत भारी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पानी दोस्तों। एक बार ये हो कि मैं नैनीताल में जैसे रहता था तो कुछ 5-6 महीने में इधर रहा है और इधर का पानी मैंने धारे का जम कर किया और फिर उसके बाद नैनीताल का पानी बहुत ही अजीब सा लगने लगा। लेकिन क्योंकि इसकी शुद्धता ऐसी है तो और जगह की पानी की जो शुद्धता थोड़ा कम है तो पी लिया जाए। और ये पानी थोड़ा मोटा भी होता है दोस्तों, इसमें आरा वरा भी पीजिए, नहीं तो गला भी लग जाता है, गले लग जाएगा ये। अच्छा मैंने कहा है वो कहाँ से चल रही है उसमें बाद में कट मारोगे ना। बहुत ही आनंद आ गया गर्मियों में। तो दोस्तों हल्दी स्नान के बाद जो है बाल भी इसमें बच्चे के सुधारे जाते हैं और उसके बाद अब बाकी का प्रोग्राम जो है मंदिर में होगा। तो हम चलते हैं अब मंदिर पर और देखते हैं कि आगे की क्या संस्कार अभी होंगे, वो हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर पर। मंदिर में तो ये यहाँ से आंचल जो है बांध करके ले जाया जाता है, ले जा रहे हैं। तो ये तो ये सब बता से नहीं घंटे 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 लाओ घंटी कौन दीवार का ध्यान हो, दीवार ना वाला बस हटा वो दीवार को अच्छा कर दूंगा फिर यहाँ जाऊंगा। तो दोस्तों हमारे नवीन कांडपाल जी यहाँ पर भैरव बाबा के लिए खिचड़ी बना रहे हैं और भक्तों के लिए प्रसाद उन्होंने बना लिया है। तो उधर देखिए तो पंडित जी हमारे अपने उसमें लगे हुए हैं, पंडित जी को नमस्कार है। और उधर जो है प्रसाद बन चुका है, उधर हलवा बनाया है और यहाँ जो है इधर पजरी है। हाँ और इधर जो है पजरी बनी हुई है। ये दूर दूर जाते हैं उनके लिए प्रसाद का हलवा दिखा। अच्छा दूर दूर जाते हैं, अच्छा दूर दूर जाने के लिए उनके लिए प्रसाद उनके लिए जो है सेटअप रेडी है। इस साइड को अंधेरा एक
लोकमात्रिकाभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः राजांगनी देवताभ्यो नमः भूतांगनी देवताभ्यो नमः अवतारी देवताभ्यो नमः सर्वयो देवेभ्यो नमः श्रीमाता पिता कर्णभ्यो नमः श्रीमन् और भगवान उठे हां देख कभी हो गए कभी हो गए उड़ जा तो ना बिना उसे तो चलान है तब हां वो चल भगवान बात है तो धूप लगी हुआ धूप वही चल रहा है ना चला है ना मैं तो वही कर दी थी आज से मेरे खाने से तेल वो जो है ना रक्षा राजा रामचंद्र रक्षा पंच परमेश्वर की रक्षा रक्षा सुरक्षा भव बिल्कुल स्वापतिवंदामि रक्षे मांचल मांचल आओ 33 कोटि देवताओं की रक्षा राजा रामचंद्र रक्षा पंच परमेश्वर की रक्षा रक्षा सुरक्षा भव चलता फिरता है ये हवन सामग्री के लिए पत्तल बनाया जा रहा है शुद्ध ठीक तिमल के पत्तों का हाँ तिमल के पत्ते हैं ये सब भद्रम कर्णे धनमंदो बलिराजो धनमंदो मावलो तेनत्वा प्रतिवन्नामि रक्षे मांचल मांचलः।